नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदे बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। इस वक्त मैं हूं वार्ड नंबर 33 में, जहां पर वार्ड नंबर 33 की पार्षद रेखा कुलवाल जी मेरे साथ में हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और हैप्पी दिवाली, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, पार्षद बनने के बाद आपने आपके क्षेत्र में किस तरीके से भागीदारी निभाई है? पार्षद बनने के बाद मेरे क्षेत्र में मैंने एक परिवार की तरह भागीदारी निभाई है। ये मेरे से ज़्यादा शायद मेरे वार्डवासी बोल सकते हैं कि मैं क्या भागीदारी निभा रही हूँ या क्या नहीं कर रही हूँ। आपने क्या क्या डेवलपमेंट किया है इस एरिया में, ये बताइए। मैंने डेवलप लाइटें जो पुरानी थी उनको नई लगवा दी है। हाईमास लाइट का आज एक उद्घाटन है अभी बोरिंग चौराहे पे, वो होने जा रहा है। अभी डेवलपमेंट में गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया था, लेकिन मेरी जो मेन रोड है वो पास हो चुकी है डेवलपमेंट में। वो हमने पास अभी रुकवा रखी थी कि अभी दिवाली का टाइम है, तो दिवाली के टाइम पे लोग बागों को परेशानी होगी, दिवाली के बाद वो काम चालू हो जाएगा। डिवाइडर लगवा दिए हैं घरों में, हमने पेड़ वितरण करे थे, अभी औषधि वाले जो पेड़ आए थे वो हमने वितरण करे थे। सफाई मेरे वार्ड में आप जाके देख लीजिए, पूरी सफाई मिलेगी आपको मेरे वार्ड में। जी, वो तो हमने रास्ते में जाते हुए देखा, काफ़ी सफाई थी आपके वार्ड में। सड़कों के बारे में बात करें, सड़कों की मरम्मत उसको लेकर थोड़ा सा? अभी थोड़ा पेच वर्क करवाया है, बाकी जो मरम्मत है मेरे वार्ड में 2-3 ही सड़कें ऐसी है जो स्टेप बाय स्टेप आएगी, एक साथ नहीं आ सकती। एक का काम अभी दिवाली के बाद शुरू हो जाएगा और बाकी का टेंडर खुलेगा उसी हिसाब से। तो निगम के हिसाब से क्या मिला है आपको बजट? निगम के हिसाब से हमें 50 लाख का बजट मिला है जी, और उसमें भी अभी कहीं भी पेच वर्क करवा देते हैं तो उसमें थोड़ी सी कटौती हो जाती है। तो कुछ ऐसे कार्य है जो आप निगम की थ्रू नहीं, लेकिन आपकी तरफ से वो चीज़ें कर रही हैं? वो तो बहुत से कार्य हैं, उसको तो नहीं बोलना ज़्यादा अच्छा है, गुप्त में ही रखना समझदारी है। अभी जैसे डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो ऐसे में आपने क्या ध्यान रखा? 2 बार फॉग करवा चुकी हूँ डेंगू के उसमें, और 1 बार के लिए और अप्लाई कर दिया है कि आप दिवाली से पहले 1 बार मेरे वार्ड में फॉग और करवा दीजिए। और कोरोना काल में अगर बात करें तो उस समय में आपने आपके क्षेत्रवासियों के लिए कितनी मदद करी, कितना उनका सहयोग किया? कोरोना काल में ऑक्सीजन के सिलेंडर हमने घर घर पहुँचवाए, खुद की मदद से ऑक्सीजन के सिलेंडर घर घर पहुंचवाए। हॉस्पिटल वालों से हमारा पूरा लिंक था, कभी भी कॉल आता था एनी टाइम हॉस्पिटल वालों, शेखावटी हॉस्पिटल वाले, CKS वाले और भी हॉस्पिटल वाले हैं, उनके साथ पूरा रहा। हमने राशन भी वितरण करवाया था। आप खुद एक गृहिणी हैं, उसके साथ साथ आप एक पार्षद भी है, लोगों की जिम्मेदारी भी है, घर की जिम्मेदारी भी है, तो ऐसे करके आप किस तरीके से मैनेज करती हैं? नहीं, मेरा वार्ड करता है, मेरा वार्ड वाकई में बहुत अच्छा है जो मुझे अपने आप ही मैनेज करता है। तो आप कैसे करती हैं घर का? मैं बोल रही हूँ ना, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती, वार्ड अपने आप ही करता है, वार्ड में टीम बनी हुई है। आपको पूरा सपोर्ट करते पूरा हैं? सपोर्ट करते हैं वार्डवासी, मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं जी। दिवाली का टाइम है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज़्यादा लापरवाही भी हो रही है कहीं कहीं क्षेत्रों में, कहीं कहीं नहीं हो रही। आपके क्षेत्र में क्या तैयारी है इस चीज़ को लेकर? ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि बाजारों में हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ है इस वक्त भी, तो उसको देखो। अब ये जो कोविड का टाइम चला था, 2 साल ऐसा चला था कि बहुत गंदा चला था और सबके लिए बहुत हावी हो गया था, और अब भी जो बाजारों में भीड़ हो रही है तो उसमें लोगों का डर निकल गया अब, क्योंकि लोगों को अब कुछ करने की और कुछ लालसा हो गई। हर चीज़ महंगाई का इतना वो छू रही है कि उनको ये लग रहा है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। भीड़ उस चीज़ की हो रही है, भीड़ शॉप्स पे नहीं है, ओनली भीड़ आप रोडों पे ही देखने को मिले। महंगाई की अगर आपने बात करी है तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि तेल के दाम आपको भी पता है कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है BJP की सरकार में, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हमने विरोध भी किया था, धरना प्रदर्शन भी किया था, सब कुछ किया था, लेकिन कुछ फ़ायदा, जब वो किसानों को ही फ़ायदा नहीं मिल रहा तो अभी तो अपन को तो क्या मिलेगा। बिल्कुल, गरीब और ज़्यादा।